बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 5, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 7। स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 1.2 कर रहे हैं, जिसका हम आज थर्ड क्वेश्चन करेंगे। इफ़ एन इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डब्ल्यू इज़ इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर्स, देन फाइंड एन यूनियन डब्ल्यू एंड एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो सेट्स हैं, एक है नेचुरल नंबर का सेट और एक है होल नंबर का सेट। इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन भी फाइंड करना है और इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सेट्स को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। एन इज इक्वल टू टेबुलर नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1, एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन, एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0, डब्ल्यू इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन। फर्स्ट वी फाइंड एन यूनियन डब्ल्यू। एन यूनियन डब्ल्यू इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन, यानी कि नेचुरल नंबर का सेट, मिड में हमारे पास यूनियन का साइन है, उसके बाद क्या है, होल नंबर का सेट 0, 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन। इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है, तो हम इन दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट्स को हम वन टाइम लिखेंगे और तमाम एलिमेंट्स को हम अरेंज भी करके लिखेंगे। तो दोनों सेट्स में क्या है कि जो दोनों सेट्स में हम देख सकते हैं कि 1 से जो है ना हमारे पास कॉमन नंबर है, क्योंकि 1 भी दोनों सेट्स में है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो एक नंबर जो है ना 0, वो होल नंबर में है और नेचुरल में नहीं है। तो 0 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, 0 के बाद हमारे पास 1 दोनों सेट्स में है, तो वो 1 टाइम आएगा, फिर 2, 3, 4 अप सो ऑन। तो एन यूनियन डब्ल्यू जो हमारे पास है वो क्या आया है, 0, 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन, यानी कि इन दोनों सेट्स का जो यूनियन है वो हमारे पास होल नंबर का सेट आया है। सेकंड वी फाइंड एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू इज़ इक्वल टू नेचुरल नंबर का सेट 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन, इंटरसेक्शन होल नंबर का सेट 0, 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन। इन दोनों सेट्स के हमने कॉमन एलिमेंट्स को लेना है, क्योंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, 1 दोनों सेट्स में है, 1 इज़ द फर्स्ट कॉमन नंबर, 2 इज़ द सेकेंड कॉमन नंबर, इसी तरह 3, 4 अप सो ऑन। तो एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू में हमारे पास जो सेट आया है वो क्या आया है, नेचुरल नंबर का सेट आया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ पी इज़ इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड सी इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स, देन फाइंड पी यूनियन सी एंड पी इंटरसेक्शन सी। तो प्राइम नंबर्स का सेट है, कंपोजिट नंबर्स का सेट है, इन दोनों सेट्स का हमने यूनियन और इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में लिख लेते हैं। प्राइम नंबर हमारे पास क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन ओनली बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1 एंड इटसेल्फ, लाइक 2, 3, 5, 7, 11 अप सो ऑन। उसके बाद हमारे पास हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स दैट कैन आल्सो बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय एनी नंबर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, लाइक 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप सो ऑन। तो फर्स्ट वी फाइंड पी यूनियन सी। पी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, पी सेट हमारे पास क्या है, यानी कि प्राइम नंबर का 2, 3, 5, 7, 11 अप सो ऑन यूनियन, कंपोजिट नंबर्स का सेट है 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप सो ऑन। इन दोनों सेट्स का हम यूनियन फाइंड कर रहे हैं, तो दोनों सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को हम लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है वो है 2, नेक्स्ट नंबर है 3। अब 3 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर के सेट में 5 है, बट कंपोजिट नंबर में हमारे पास 4 है, तो हमने इनको अरेंज करके लिखना है। तो 3 के बाद हम क्या लिखेंगे, 4, 4 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर में 5 है, फिर कंपोजिट नंबर में 6 है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 7, 8, 9, 10, 11, 12 अप सो ऑन। अब हमने क्या करना है, इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो सेकंड वी फाइंड पी इंटरसेक्शन सी। पी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू, पी सेट क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13 इंटरसेक्शन, सी हमारे पास है 4, 6, 8, 9, 10, 12 अप सो ऑन। इन दोनों सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इन दोनों सेट्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों सेट्स में एम्प्टी सेट मौजूद है। तो दोनों सेट्स में जो कॉमन चीज़ है वो क्या है, एम्प्टी सेट है। दोनों सेट्स में एम्प्टी सेट कॉमन है, इसलिए हमारे पास पी इंटरसेक्शन सी में क्या आएगा, पी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट आर 5। इन दोनों क्वेश्चंस की आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, यही आपका होमवर्क है।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।